प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अमेठी पहुंचे। वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करके जनता से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील कही। पीएम मोदी के साथ जनसभा के मंच पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी मौजूद थी। इस जनसभा के बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा, केवल अमेठी की बात नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हवा बह रही है। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी चुनौती है। जो घर छोड़कर चला जाए उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। जो वायनाड जाकर अमेठी की जनता को गाली देता है वो यूपी का सगा नहीं हो सकता। अखिलेश पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, अखिलेश से कोई चुनौती नहीं है, वो अपने परिवार से ही लड़ रहे हैं, 350 सीटों को लेकर सपने देख रहे हैं, लेकिन ये ख्वाब किसी भी मायने में पूरे नहीं होने वाले हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यूपी में उनकी सरकार बन रही है। आपको बता दें, स्मृति ईरानी कांग्रेस को लेकर हमेशा हमलावर देखी गई हैं। राहुल गांधी के लापता हो जाने पर अक्सर निशान साधती हैं और इस बार भी स्मृति ईरानी ने अमेठी की जमीन पर राहुल गांधी के लापता हो जाने का मुद्दा ही उठाया है। स्मृति के आरोपों पर फिलहाल राहुल गांधी या अन्य किसी कांग्रेसी नेता का बयान सामने नहीं आया है। नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन की रिपोर्ट।